बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ़ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। और इसमें यह भी है कि कौन सी वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। सॉल्यूशन है हमारे पास इसका, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसका हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर्स में किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स की 4 है, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की 4। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नीचे लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो एक्स स्क्वेयर लिया है वो ऐड करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 2x की 2। यहाँ पे हमारे पास 2x की 2 है, यहाँ पे 4x की क्यूब है। तो 2x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x क्यूब आए, इसको हम करेंगे 2x के साथ। 2 2 ज़ा 4 एंड एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब, यहाँ पे भी 2x लिख देंगे, ऊपर भी हम 2x लिख देंगे। वो 2x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, वो 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर। इसी तरह इसके भी साइन चेंज करेंगे हम, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये है हमारे पास 4x स्क्वेयर, 16x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 12x स्क्वेयर प्लस lx प्लस m। तो ये अब हमारे पास जो 2x को ऐड करना पड़ेगा इसमें, हम ये टर्म बन जाएगी 2x स्क्वेयर प्लस 4x। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 2x है, तो 2x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि वो 12x स्क्वेयर बन जाए। 2x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 12x स्क्वेयर बन जाए, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, जब 6 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वेयर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 4 ज़ा 24x एंड 6 6 ज़ा 36। इन सब के साइन चेंज करेंगे तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा lx माइनस 24x प्लस m माइनस 36। हमने देखा है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वेयर होता है तो उनका रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, तो हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम इसका रिमाइंडर जो है वो 0 ले लेंगे। जब परफेक्ट स्क्वेयर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है हमारे पास, इसलिए ये वाला जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हम ले लेंगे। अब इसकी फर्स्ट टू वैल्यूज से एल कॉमन आ रहा है, सॉरी एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा एल माइनस 24 और इसमें हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़ीरो एक्स प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे हम कॉफिशेंट कंपेयर करेंगे एक्स के, तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, जब 0 में 0 ऐड करें तो वो 0 ही रहता है, तो इसलिए अब कॉफिशेंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स के साथ कॉफिशेंट एल माइनस 24, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। इस तरह ये कॉन्स्टेंट वाला फैक्टर है, इसको कंपेयर करेंगे एम माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस 36, सो द वैल्यू ऑफ एल एंड एम 24 एंड 36। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर 9x4 माइनस 12x2 प्लस 22x
स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 12, व्हाट शुड बी एडिड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन वुड बी अ परफेक्ट स्क्वेयर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी स्क्वेयर रूट फाइंड करते हैं सबसे पहले बाय डिवीजन मेथड। वहाँ से हमें मालूम हो जाएगा ये तीनों फैक्टर्स 9x की 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 12। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म वो है 9x की 4, इसका हम स्क्वेयर रूट लेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर के इक्वल। 3x स्क्वेयर यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 3s हमारे पास हो जाएगा 9x की 4, इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, वही 3x स्क्वेयर इसमें दोबारा ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x की 2, और रिमाइंडर ऐसे ही नीचे आ जाएगा 12x क्यूब 22x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 12। अब यहाँ पे हमारे पास 6x स्क्वेयर है, यहाँ पे 12x क्यूब है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x के साथ, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 12x क्यूब प्लस माइनस, यहाँ पे भी हम लेंगे माइनस 2x, 4x स्क्वेयर, इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 12। अब हमारे पास यहाँ पे भी हम माइनस 2 को ऐड करेंगे, जो नंबर लेते हैं उसी को ऐड करते हैं जैसे पीछे हम कर सीख के आए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 6x स्क्वेयर है, यहाँ पे 18x स्क्वेयर है, तो 6x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 18x स्क्वेयर आए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18x स्क्वेयर माइनस 12x एंड 3 3s आर 9, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और रिमाइंडर में हमारे पास बच जाएगा माइनस 13x है और प्लस का 12x है माइनस x, और 12 प्लस 12 में से माइनस 9 गए तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब हमने ऐड क्या करना है, अगर हमारे पास माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 9 होता तो ये वैल्यू रिमाइंडर जो यहाँ पे 0 आता, तो इसका साइन चेंज कर देंगे कि हमने ऐड करना है प्लस x माइनस 3, ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा क्योंकि 12 में से 3 जाएंगे तो 9, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, और एक अगर यहाँ पे 12x होता तो ये 12x एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, और सब्ट्रैक्ट हमने करना है माइनस x प्लस 3, और वैल्यू ऑफ x यहाँ से हम फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ x के लिए ये रिमाइंडर जो है इसको 0 पुट कर देते हैं, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज प्लस 3, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x जो है वो प्लस 3 आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन थे उन्हीं के मुताबिक इनको सॉल्व कर लिया, और इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है, वो आप लोगों के लिए एज अ होम असाइनमेंट है। और अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।